गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता गौर फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल, योर कंप्यूटर टीचर। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू मेक अ वर्क is called a software. मतलब अगर अपने it means software is a जैसे कि आपका जो computer work करता है, मतलब आप hardware के parts के through software को instructions देते हो कि आपको क्या करना है, तो वो software फिर उसके ऊपर क्या करता है, work करता है। For example, अगर जैसे कि MS Word के अंदर अगर आपको पेंटिंग करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने माउस के थ्रू कुछ ड्राइंग की, तो वो माउस के थ्रू करी, बट किसके अंदर करी, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड क्या है, अपना सॉफ्टवेयर। ओके, और फिर पेंटिंग किसके थ्रू कर रहे हैं, अपने माउस के थ्रू, है ना। तो आपने हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, माउस इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये ड्रॉ करना है, तो जैसे आप उसको ड्रॉ करोगे तो वो किसके ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। यस, एंड यस, पहले अपने देखेंगे की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई इज सॉफ्टवेयर नीडेड, हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्यों होती है। ओके, नाउ सेकंड इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर थर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन इज सिस्टम एंड सेकंड इज एप्लीकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी हार्डवेयर पार्ट्स। आप लोगों को पता है कंप्यूटर किससे, कई सारे हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू बना है। दीज हार्डवेयर पार्ट्स नीड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, यही हार्डवेयर होते हैं जो हमको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। अगर उसको कुछ टाइप करना होता है तो कीबोर्ड टाइप करता है, कीबोर्ड जैसे टाइप करेगा तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो वहां पे टाइपिंग होगी। ओके, सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल वाइल ड्रॉइंग पिक्चर इन पेंट प्रोग्राम, आपको पता है आप पेंट प्रोग्राम यानी कि पेंटिंग किस में कर रहे हैं, अपने एमएस वर्ड में या पेंट में किसी में कर रहे हैं, वी यूज अ कंप्यूटर माउस टू ड्रॉ। आपको आप किससे, मतलब अगर कुछ ड्रॉइंग कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, माउस के थ्रू, एंड सी अवर पिक्चर ऑन द मॉनिटर। और आप जो ड्रॉइंग कर रहे हो तो उसकी पिक्चर किसके अंदर देख रहे हो, मॉनिटर के अंदर। द माउस एंड मॉनिटर्स आर पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर। ओके, जो माउस है और वो मॉनिटर है वो क्या है, हार्डवेयर का पार्ट्स है, बट द पेंट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। और जो पेंट प्रोग्राम है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर। ओके, सो व्हाई इज सॉफ्टवेयर नीडेड, हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ओके, सो सॉरी, विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अगर एग्जाम्पल लें अपने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों को सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और सबसे ज्यादा यूज हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है तो वो विंडोज है ना। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल रखा है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इट्स लाइक अ कंटेनर। ओके, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर क्या है, एक कंटेनर है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसलिए ये लाइन कही गई है, विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, इट अनेबल्स अस टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर एंड परफॉर्म टास्क। ये क्या करते हैं सॉफ्टवेयर, ये इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर को किससे, हार्डवेयर से, एंड परफॉर्म टास्क। जैसे कंप्यूटर, मतलब कोई हार्डवेयर पार्ट अगर कोई वर्क करेगा
तो वो किसके ऊपर कर रहा है, वो सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहा है, और हार्डवेयर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है सॉफ्टवेयर को कि आपको वर्क क्या करना है. ओके, सिमिलरली एनी सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज स्टोर्ड इनसाइड अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज हार्डवेयर. ओके, हैंस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर. आपको पता ही है आपके जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं चाहे वो सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं, वो दोनों ही हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है. वी इंस्टॉल एंड स्टोर मैनी सॉफ्टवेयर इन साइड अवर कंप्यूटर सो दैट वी कैन यूज दैम एनी टाइम. आपको पता है कई सॉफ्टवेयर हम लोग खुद इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में जैसे जैसे हमें उसकी नीड होती है. ओके, और कुछ सॉफ्टवेयर पहले से ही हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए हुए आते हैं, तो वो सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. नंबर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो अगर इसको मतलब अपने अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए बना है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो वर्क कर रहे हैं अगर वो उसके लिए ही बना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, तो वो क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर. बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड क्या है हमारा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अब वर्ड का काम क्या है कि उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बनाना है तो हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं. अब एमएस वर्ड के अंदर अपने प्रेजेंटेशन नहीं बनाते ना, एमएस वर्ड के अंदर हम लोग एक्सेल वाले फॉर्मूलाज या फिर एक्सेल का यूज नहीं कर सकते ना. एमएस वर्ड के अंदर हमें कोई रेलवे रिजर्वेशन की कोई टिकट बुक करवानी है तो क्या कोई हम अपने उसके अंदर जाके रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं, रिजर्वेशन की टिकट बुक करा सकते हैं रेल की, नहीं करवा सकते ना. तो जो परफॉर्म जिस सॉफ्टवेयर का जो टास्क है वो वही टास्क करेगा. ओके, अगर कोई रिजर्वेशन की है सॉफ्टवेयर, चाहे वो रेलवे का है, चाहे एयरलाइन का है, चाहे बस का है, किसी का भी है, तो बस वाले में सिर्फ बस की टिकट्स बुक होंगे, रेलवे रिजर्वेशन वाले में रेलवे की टिकट बुक होगी, एयर टिकट आपकी फ्लाइट टिकट्स बुक होंगी, तो उसका सॉफ्टवेयर अलग अलग है, हम किसी को अदला बदली नहीं कर सकते है ना. तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए बने हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बोथ ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. ये दोनों ही सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. क्यों? क्योंकि इन दोनों का अपना अपना वर्क है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर को पूरा हैंडल कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस और कस्टमाइज. ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमें जिसकी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करते हैं. ओके, सो नंबर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट कंट्रोल्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्डवेयर. ओके, ये पूरा हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर. मीन्स अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल रखा है तो फिर आपके जो कीबोर्ड है, माउस है ना, वो वर्क नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर में. तो क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ये कंटेनर बन के रह जाएगा. ओके, द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कंट्रोल एंड रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी के थ्रू हम लोग हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला पाते हैं, रन कर पाते हैं. There are many types of system software. बहुत सारे types हैं. So number one is operating system. Okay. It is the first software that is loaded into the computer main memory. आपको पता ही है हमारे computer की जो main memory है उसके अंदर सबसे पहला जो software डलता है वो हमारा कौन सा है? Operating system. Windows is the most commonly used operating system. अभी तक अपने जो use करते हैं जो सबसे ज़्यादा use आ रहा है वो हमारा कौन सा operating system है? Windows है. Okay. Windows is a product by Microsoft. Windows को किसने बनाया? Microsoft ने बनाया है. It has many versions. इसके बहुत सारे versions आए हैं, such as Windows XP, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. और अभी अपने अधिकतर सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं? Windows 10 का यूज कर रहे हैं. Okay. Some other examples of operating system कौन कौन से? Linux है, MS DOS है, Mac operating system है. तो ये सब भी एग्जाम्पल किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थे. ठीक है, एमएस डॉस अपने पहले यूज करते थे. लाइनक्स में अगर किसी को कंफर्टेबल है तो वो उसमें लाइनक्स पे वर्क करता है. अपने अधिकतर सब विंडोज के ऊपर कंफर्टेबल है तो हम लोग हमारे कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल करवाते हैं. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डलवाते हैं? विंडोज डलवाते हैं. सो नंबर सेकेंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म बेसिक मेंटेनेंस टास्क ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ कंप्यूटर.
मतलब जो मेंटेन करता है हमारे पूरे कंप्यूटर को, ठीक है, उसको मतलब बनाया है उसी डिजाइन, मतलब उसी तरीके से है ताकि वो हमारे पूरे कंप्यूटर को क्या करे, मेंटेन करके रखे। सम एग्जांपल्स, जैसे सपोज आपको अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं, तो कुछ ऐसी हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, ओके, तो डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा बटन का यूज़ करते हैं, डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। तो डिलीट बटन जो आप प्रेस कर रहे हो तो उसका भी कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ डिलीट ही कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे कंप्यूटर को मेंटेन रखा जा रहा है कि ताकि फाइल्स ज़्यादा की ज़्यादा बढ़ती नहीं जाए। तो इसलिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने लिया है एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या करता है, वायरसेस आर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय डेटा एंड फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। आपको पता है जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करता है, फाइल्स को हटाता है। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। एंटीवायरस अगर हम लोगों ने इसके अंदर डाल रखा है हमारे कंप्यूटर में, तो जो भी वायरस आता है वो क्या करता है, उसको रिमूव करता जाता है फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। नॉर्टन, MCFV and QuickKill are most popular antivirus software. तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल आ रहे हैं अभी एंटीवायरस कौन सा है, नॉर्टन है, QuickKill है, MCFV है, ये सब चीज़ें क्या उनसे है, हमारे एंटीवायरस है, ओके। इसके अलावा बैकअप यूटिलिटी होता है। बैकअप यूटिलिटी क्या होता है, द वर्ड बैकअप मीन्स रिजर्व और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मीन्स अगर सपोज आपको कोई डेटा चाहिए, पेन ड्राइव आप लोगों ने सबने देखी, ठीक है, पेन ड्राइव में आप डेटा कॉपी कर रहे हो तो आपने अपने कंप्यूटर से उठा के उसको पेन ड्राइव में पेस्ट किया है ना, कॉपी किया उसके अंदर, तो जो आप वो कॉपी कर रहे हो तो वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे इसके अंदर डाला हुआ है जिसके थ्रू ही आप कॉपी करवा रहे हो, ओके। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आप लोगों के इस कंप्यूटर के अंदर कॉपी नहीं हो पाता। तो ये जो छोटे छोटे जिससे हमारा पूरा कंप्यूटर मेंटेन रहता है, तो वो सब चीज़ें हमारे किसके अंदर आती है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। नेक्स्ट इज डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसका अगर एग्जांपल लूँ, सपोज आपकी मूवी है, आप लोग ठीक है मूवी देख रहे हैं, ठीक है, अब आपने आपकी मूवी बहुत बड़ी है, 3 आवर्स की है सपोज, ठीक है, तो उसकी फाइल भी बहुत बड़ी होगी हमारी, जिसके कारण वो अब लोड होने में, अगर आपने उसको मतलब स्टार्ट किया मूवी देखना, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग उस तो स्टार्ट करोगे तो वो लोड होगी तो उससे क्या होएगा, हमारे कंप्यूटर की स्पीड धीरे होती जाएगी, क्यों, लोडिंग में वो टाइम लगाएगी। तो जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है ना, वो क्या करता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सपोज उसने अपनी मूवी के जो आपकी मूवी क्लिप है उसके उसने 7 डिवाइड्स करे हैं पार्ट में, ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बट वो करता है उसको, ठीक है, ताकि कंप्यूटर के ऊपर लोड ना पड़े। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट लोड होएगा, जैसे ही फर्स्ट पार्ट आपका लोड कंप्लीट होने वाला होएगा वो सेकंड पार्ट को अपने आप उसके अंदर क्या कर देगा, लोडिंग स्टार्ट कर देगा, तो अपने को पता ही नहीं चलता और वो कंटिन्यूटी में हमारी क्या होती रहती है, मूवी चलती रहती है, ओके। सो fragmentation occurs when a file is scattered to different parts of hard disk while it gets saved on the hard disk. Disk defragmentation utility software is like a cleaning agent of our computer. Disk defragmentation क्या करता है? एक तरीके से हमारा cleaning agent है। किसका? हमारे computer का। It picks up all the pieces of a file that are spread across our hard drive and put them back together again at one place. Thus it clears the fragments and fastens the disk access speed. Okay, so next is application software. Application software help us carry out a specific task. There are 2 types of application software. Number 1 is general purpose application software and number 2 is customized application software. So students, application software is continuing in the next meeting, okay, so remaining topic of this chapter we will continue next meeting, okay, so bye bye, have a nice day.